चलो यहाँ पे देखो, हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल, जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करें और उसमें भी हम मैटर की बात करें तो पहले ही हमारे माइंड में आता है कि भाई टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है, हीट क्या है, हीट एनर्जी क्या है। टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है, कोल्डनेस और हॉटनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आगे बोला था कि हमने टेम्परेचर का यूज किया है। टेम्परेचर के अंदर हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था और उस रेफरेंस पॉइंट को हम लोगों ने, हमने दो रेफरेंस पॉइंट्स लिए थे और उसमें से एक रेफरेंस पॉइंट था फ्रीजिंग पॉइंट। कौन सा पॉइंट था? ये फ्रीजिंग पॉइंट और दूसरा हमारे पास था बॉइलिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हम लोगों ने बोला था 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने बोला था 100 डिग्री सेल्सियस। क्या ये असल आपको याद है कि नहीं है? ओके, अब मुझे जो हीट के बारे में बात करनी है और हीट एनर्जी के बारे में बात करनी है, आप सबको पता है कि हीट जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज अ प्रोसेस। हीट इज प्रोसेस एंड हीट एनर्जी, ये हीट प्रोसेस किसकी है? एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू दी अनदर सिस्टम, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज नोन एज हीट एंड हीट। हीट इज प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम इज नोन एज हीट। इट इज प्रोसेस हीट एनर्जी। भाई ये हीट एनर्जी इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो एनर्जी, वो भी जूल में ही मेजर होती है या तो कैलोरी में मेजर होती है, पता है ना? वो जूल में भी मेजर हो सकती है या तो कैलोरी में भी मेजर हो सकती है। जूल में मेजर हो सकती है या तो कैलोरी में भी मेजर हो सकती है। कौन? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, अभी हीट एनर्जी को समझने के लिए, उसके सब पैरामीटर को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक सिस्टम होती है और सिस्टम के आसपास जो होता है वो उसका एनवायरनमेंट बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? उसका एनवायरनमेंट। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम। सिस्टम के आसपास उसका क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है। एंड दिस इज नोन एज वॉल ऑफ द सिस्टम, वॉल ऑफ द। अब ये जो सिस्टम की वॉल है उसके तीन प्रकार है। एक प्रकार क्या कि वो हीट एनर्जी को टोटली एक्सचेंज करने देगी, दूसरा प्रकार क्या है वो हीट एनर्जी को पार्शियली एक्सचेंज होने देगी, और तीसरा प्रकार क्या है कि वो हीट एनर्जी को इतू सा भी एक्सचेंज होने नहीं देगी। किसके बीच में एक्सचेंज करना है? एनवायरनमेंट और सिस्टम के बीच। जैसे कि हमारी थर्मोस की बॉटल होती है, या तो हमारी वो बार में थर्मोस वाली बॉटल आती है, वो थर्मोस वाली बॉटल में रियलिटी में क्या होता है? किसी ने देखा है उसमें? थर्मोस वाली बॉटल के अंदर अंदरूनी एक ऐसा लेयर होता है, जो लेयर अगर मैं अंदर ठंडा पानी भरूं तो भी उसको ठंडा रखता है, या तो गर्म पानी भरूं
गर्म करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने उसको उसके अंदर गर्म पानी भरा तो बाहर के एटमोस्फियर को इस सिस्टम पे इफेक्ट करने देता नहीं है, या तो अंदरूनी ही बाहर का टेम्परेचर सपोज की T1 है, अंदर का टेम्परेचर सपोज की T2 है। सपोज यहां पर मैंने ऐसा बोला कि भाई T2 ग्रेटर देन T1, तो हीट एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर होती है? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट एनर्जी ट्रांसफर, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम दी हायर टेम्परेचर टू दी लोअर टेम्परेचर। तो अगर ये T2 ग्रेटर देन T1 है, अगर ये T2 ग्रेटर देन T1 है तो यहां से हीट एनर्जी बाहर जानी चाहिए चाहिए चाहिए, लेकिन यहां पे जो वॉल है वो हीट एनर्जी को अंदर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देगा। और जब ये वॉल हीट एनर्जी को अंदर से बाहर जाने की परमिशन नहीं देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो गर्म पानी है, हॉट कॉफी है, इसका टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो हीट एनर्जी को सस्टेन करके रखता है, और जब वो हीट एनर्जी को सस्टेन करके रखता है तो टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा। टेम्परेचर रिड्यूस नहीं होगा मतलब वो ठंडा नहीं होगा, मतलब कि वो एज इट इज रहेगा, जो आप लोगों की थर्मोस वाली बॉटल में होता है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? या तो हम दूसरा एक केस लेते हैं कि सपोज कि मैंने इसके अंदर ठंडा पानी भरा और इसका टेम्परेचर T2 है और बाहर का टेम्परेचर T1 है, तो T2 लेस देन T1 हुआ। तो अब क्या होगा? अब बाहर का टेम्परेचर T1 है वो ज्यादा है, हीट एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर T1 ज्यादा है तो हीट एनर्जी यहां से अंदर घुसेगी, घुसनी चाहिए, जानी चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो वॉल उस प्रकार की है कि जिससे हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता नहीं है, टोटली स्टॉप। जैसे कि हम यहां से पाकिस्तान में नहीं जा सकते और पाकिस्तान वाले यहां, मतलब एक प्रॉपर बाउंड्री बनाकर रखी, इसको इंसुलेटेड वॉल कहते हैं। मतलब ये इंसुलेशन कर देता है सिस्टम का, सिस्टम के अंदर हीट एनर्जी को एंटर भी नहीं होने देता है और सिस्टम में से हीट एनर्जी को बाहर भी नहीं जाने देता। ओके, तो एक प्रकार की वॉल होती है। दूसरे प्रकार की वॉल ला ले लो, और यहां पे मैं चाय का कप ले लेता हूं मस्त, जिसके अंदर हॉट टी भरी हुई है, कोई थर्मल इंसुलेशन नहीं है। सी, यहां पे थर्मल इंसुलेशन है, यहां पे कोई थर्मल इंसुलेशन नहीं है। ये गर्म गर्म चाय यहां पे भरी हुई है, और बाहर का एटमोस्फियर T1, एटमोस्फियर का टेम्परेचर T1 है, अंदर का टेम्परेचर T2 है, T2 ग्रेटर देन T1 है, तो यहां से आराम से हीट एनर्जी बाहर जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। और इसीलिए कुछ देर के बाद इस कप में भरी हुई चाय आपको थोड़ी सी ठंडी मिलती है कि नहीं मिलती है? तो ये थर्मली इंसुलेटेड वॉल नहीं है। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? तो ऐसे कौन से मटेरियल होते हैं, क्या उसकी बेनिफिट होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ये बेसिक सब रिक्वायरमेंट है, बेसिक डेटाबेस है यहाँ पे जो हमको क्लियर करना है। चलो, तो हीट एनर्जी के बारे में आपको पता चला, हीट एनर्जी के बारे में आपको पता चला, आपको ये पता चला कि हीट एनर्जी जो है वो एक सब्सटेंस है। हीट एनर्जी क्या है? सब्सटेंस है, लेकिन हीट जो है वो सब्सटेंस नहीं है। हीट क्या है? इट इज प्रोसेस। ओके, इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर। क्या बोलते हैं इसको?
ठीक है चलो, ये बात तो बेशक को समझ में आई, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तीन प्रकार की चीजें होती है हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर हम लोग तीन प्रकार की बात देखते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है मैं अभी चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी हम लोग चैप्टर के डीप में नहीं जा रहे, वी आर जस्ट कीपिंग इन माइंड दैट वी आर ओनली डीलिंग विथ हीट 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 एनर्जी हीट एनर्जी हीट एनर्जी, और उस सबको एक ही पैरामीटर चेक करता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। हाँ, तो हम यहां पे देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। यहां पे तीन प्रकार से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक कंडक्शन से ट्रांसफर होती है, एक कन्वेक्शन से ट्रांसफर होती है और एक किससे ट्रांसफर होती है, रेडिएशन से। तीन प्रकार से हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, फिर से कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब यहां पर ध्यान से लिखना, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए, हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? पार्टिकल्स। अरे भाई, ये पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कंडक्शन हम किसमें देखेंगे? सॉलिड में। कन्वेक्शन हम किसमें देखेंगे? लिक्विड एंड गैस के अंदर। रेडिएशन जो है, क्या आप लोगों को पता है रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन जो है, सी उसका एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा, लेकिन पहले हम सॉलिड में, लिक्विड और गैस के अंदर रेडिएशन, सोलार एनर्जी और सन से अर्थ की ओर, या तो सन से पूरे अपनी जो गैलेक्सी होती है, सोलर एनर्जी जो ट्रांसफर होती है, सोलर एनर्जी इज नथिंग बट इट इज हीट एनर्जी। तो सोलर एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए, सोलर एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए क्या स्पेस में पार्टिकल्स है? क्या स्पेस में पार्टिकल्स है? नहीं है। तो सोलर एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए कोई भी पार्टिकल की जरूरत नहीं है, और पार्टिकल की जरूरत नहीं होती है जहां पे, वहां पे रेडिएशन आता है, और रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कन्वेक्शन लिक्विड और गैस के अंदर हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वो समझाता है, और सॉलिड के अंदर हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है वो हम लोग कंडक्शन के थ्रू समझेंगे। क्या मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहां पे देखेंगे कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। देखो यहां पे तो कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये आपके चैप्टर में पीछे का पोर्शन है, लेकिन मैं उसको पहले चलाता हूं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हीट एनर्जी कौन से मटेरियल में कैसे ट्रांसफर होती है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं कि सपोज कि आपने सॉलिड मेटालिक रॉड लिया, अब इस मेटालिक रॉड जो है ये एल लेंथ का एक सॉलिड मेटालिक रॉड है, ओके ये उसका वन एंड है, ये उसका दूसरा एंड है। अगर आप यहां पे बर्नर रखोगे,
इसका टेम्परेचर T1 है। बहुत ध्यान से समझना है, ये जो सॉलिड मेटालिक रॉड है, ये सॉलिड मेटालिक रॉड को यहां से हमने गर्म किया तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम थोड़ी देर के बाद आप अगर इसको यहां पे छुओगे, टच करोगे, तो क्या आपको ये गर्म लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो यहां पे आपको वही चीज देखनी है कि भाई ये सॉलिड सब्सटेंस है और यहां से मैंने उसको जब गर्म किया तो यहां पे भी उसकी गर्मी महसूस होती है आफ्टर सम टाइम। तो यहां से जब मैंने उसको गर्म किया तो रियलिटी में मैंने यहां पर उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की। जब मैंने यहां पे हीट एनर्जी प्रोवाइड की तो ड्यू टू दिस हीट एनर्जी, ये मैंने तो यहां से उसको गर्म किया था, लेकिन मैं जब आफ्टर सम टाइम कुछ देर के बाद मैं जब उसको यहां पे देखता हूं तो यहां पे मुझे, मैं जब उसको टच करता हूं तो वो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर महसूस होता है। क्यों? तो जब मैंने उसको यहां से गर्म किया तो हीट एनर्जी इस सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल के पास जाएगी। ये पार्टिकल क्या करेगा? ये एक पार्टिकल बैठा हुआ है, मतलब कि रियलिटी में यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे आप देखने जाओ तो ये एक बैठा हुआ है, ये दूसरा बैठा हुआ है, तीसरा बैठा हुआ है, सब सिस्टमेटिकली अरेंज है। और क्या होता है यहां पे जब ये ऐसे मैच हो रहे हैं, मैंने इसको गर्म किया, इस पार्टिकल को गर्म किया, इस पार्टिकल ने हीट एनर्जी ली, लेकिन वो हीट एनर्जी लेके क्या करेगा? उस हीट एनर्जी का समथिंग ऑसिलेशन एनर्जी में कन्वर्जन करेगा। तो वो हीट एनर्जी ली, फिर उसको ऑसिलेशन किया अपनी मीन पोजीशन, वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकता नहीं है। क्यों चेंज नहीं कर सकता है? क्योंकि ये सॉलिड है। तो उसने ये हीट एनर्जी ली और उसने अपने मीन पोजीशन के आसपास क्या किया? ऑसिलेशन किया। और उस ऑसिलेशन के दौरान उसके बाजू वाला जो पार्टिकल है उसके साथ वो टकराया और कुछ इनकी हीट एनर्जी उसने यहां पर ट्रांसफर की। फिर इसने ऑसिलेशन किया, फिर वही पार्टिकल और अपने बाजू वाले पार्टिकल के साथ टकराया। ऐसे ऑसिलेशन के थ्रू, कोलिजन के थ्रू वो लोग हीट एनर्जी को ट्रांसफर करते करते हीट एनर्जी ऐसे ट्रांसफर होते होते यहां पर पहुंची। बोलो, मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ के ना तो बोलो, समझ में आ रहा है? हीट एनर्जी का ट्रांसफर इन सॉलिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंडक्शन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? कंडक्शन। तो हम दूसरे लेक्चर के अंदर कन्वेक्शन भी देखेंगे और रेडिएशन भी देखेंगे।